आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। दीर्घे स्मृता हरसी भीतिम शेष जंतु स्वस्थ स्मृता मती मतीव शुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का दुदन्य सर्वोपकार करणाय सदार्द चित्त। हे आर्द्र चित्त वाली महारानी दुर्गा, तू मेरी भयों का नाश कर दे, मुझे सबल बना दे, स्वस्थ बना दे, शुभ जीवन में कर मेरे। जय माता दी। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन को मंगलमय बनाने के लिए एक बार जय माता दी जोर से बोली, जय माता दी। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज 16 जून 2023 चंद्रमा वृषभ राशि में, उच्च के चंद्रमा आज कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र दोपहर 3:06 तक और उसके बाद रोहिणी चंद्र का नक्षत्र। मासिक शिवरात्रि है आज। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे उच्च के चंद्रमा के असर अच्छा वाला दे रहे हैं मेष से लेके मीन राशि वालों को। मेष राशि, उच्च के चंद्रमा आपके जीवन में पैसा ला सकते हैं, धन ला सकते हैं और साथ में आपको माता पक्ष से सपोर्ट मिल सकता है। वृषभ राशि, बहुत कूल रहेंगे, एंजॉय करेंगे, आनंद में रहेंगे, आज यात्रा पर जा सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए और धन प्राप्ति के लिए भी। मिथुन राशि, आपके लिए प्रेम संबंधों से आपको आनंद मिलेगा, कोई नया प्रेम संबंध आज ऑफर आए तो समझ लीजिए कि राइट पर्सन है। आपके खर्चे हो सकते हैं अपने आप पर लेकिन उसमें आप खुश रहेंगे और आपके विदेश रिलेटेड धन से रिलेटेड काम बनेंगे। कर्क राशि, आज आपके लग्नेश उच्च हैं, बड़े खुश हैं आप, आज आपको माता पक्ष के सपोर्ट से धन की प्राप्ति हो सकती है और आज आप केसेस विवाद एमिकेबली खत्म कर सकते हैं। सिंह राशि, आज कई सारे ऐसे काम जो आपको गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से मिलकर करने हैं वो कर सकते हैं। आवेदन भरे नौकरी का वो हो सकता है, बैंकिंग रिलेटेड, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम हो सकते हैं। कन्या राशि, आपके लिए आज कई सारे काम वो बन सकते हैं जिसमें आपको पैसे की दरकार हो, पैसा लेना हो, कॉल उठाइए, कॉल कीजिए, अपना पैसा मांगिए। तुला राशि, आज आप बड़े कूल रहेंगे अपने ससुराल पक्ष के साथ, उनके साथ मिलके पैसों का काम किया जा सकता है, बस धन इन्वेस्टमेंट मत कीजिए वो अच्छा रहेगा, योजनाएं बना सकते हैं आज और आज आपको अपने पिता समान लोगों से भी आनंद मिलेगा। वृश्चिक राशि, आज आपके विवाहित जीवन में आनंद, आप घूमने फिरने जा सकते हैं, व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी आज आप थोड़ी सी छुट्टी लेकर चर्चाएं कर सकते हैं अपने कार्यों के लिए, नए नए कार्य के अनुबंध बन सकते हैं इन दोनों के मदद से। धनु राशि, थोड़ा सा उदासी जब देखो आपको छा जाती है कई कारणों से लेकिन आज तो वक्त है आपको लोन्स वगैरह लेने का, उदास मत होइए, भाग दौड़ कीजिए, लोन प्राप्त कीजिए, लोन दे सकते हैं, लोन चुका सकते हैं तो आगे बढ़िए, काम कीजिए। मकर राशि, आपके लिए मानसिक चैन आज मिलेगा, आपको बच्चों से आपकी खुशी मिलेगी, मार्गदर्शन अध्ययन पढ़ाई के लिए आप उनका कर सकते हैं, विवाहित जोड़े से सपोर्ट मिलेगा, व्यवसायिक पार्टनर से भी सपोर्ट मिलेगा। कुंभ राशि, आज के दिन माता पक्ष से पूर्ण सहयोग लेकिन चतुर्थ में चंद्रमा थोड़ा सा बेचैन जरूर करता है इसलिए तबीयत संभालें। मीन राशि, आपके लिए आज मन कूल रहेगा, यात्राओं पर निकलेंगे तो एंजॉयमेंट होगी, मजा आएगा, आज आप अपने बच्चों के विषय में भी सोच सकते हैं कि ऐसे कुछ डिसीजंस जो उनके पेंडिंग है, जो उनको विद इन इंडिया कहीं पर उनको पढ़ाई के लिए भेजना है तो आप भेज सकते हैं। जिनको चंद्रमा सुहा रहे हैं आज वो सबसे ज्यादा लकी राशि है कर्क राशि, उनके लग्नेश है जब उच्च के होते हैं तो बहुत ही मन प्रफुल्लित रहता है, वैसे भी बड़े भोले भाले लोग होते हैं, इनका ईश्वर ही इनका साथ देता है। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ। आइए हम जानते हैं कि तीसरा स्टोन कौन सा है वृषभ राशि और तुला राशि के लिए, वो स्टोन है जिरकॉन या जरकन बोल सकते हैं आप, अमेरिकन डायमंड भी बोल सकते हैं, जो कि सस्ता होता है, आप जो कोई ओपल ना खरीद सकते, जो कोई
डायमंड ना खरीद सके, वो जिरकॉन सस्ता होता है, मतलब के ओपल और डायमंड से तो काफ़ी सस्ता होता है, खरीद के बड़ा सा आप उसको गोल्ड में या वाइट गोल्ड में बना के आप उसको धारण कर सकते हैं अपनी रिंग फिंगर में, और बिल्कुल वो काम करेगा शुक्र का सा ही, वो काम करेगा ओपल सा, वो काम करेगा डायमंड सा। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। ज्ञान शर्मा जी नोएडा से लिखते हैं, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूँ। बहुत खुशी की बात है ज्ञान शर्मा जी, नंबर दिया है 9। तो चलिए आज ही से अभी से शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखना। व्हाट्सअप कीजिए जिन जिन को भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, मेरे फ़ोन नंबर जो अनाउंस होते हैं उस पर व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगी, शुल्क रहेगा उसमें, वो मैं ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस कर सकती हूँ। और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपने जो ज्ञान शर्मा जी नंबर दिया है 9, उसके हिसाब से आप एस्ट्रोलॉजी ज़रूर सीख सकते हैं और खूब अच्छी सीख सकते हैं। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान, फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। तब तक के लिए आज्ञा दें, धन्यवाद और नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन अत्यंत शुभ जाए, दिल से दुआ निकली है और नमस्कार।